हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज आपसे हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए। जो आपके सबसे 10 आसान शिफ्ट थे वो कौन कौन से शिफ्ट थे जो बहुत ही आसान, जिसमें सवाल पूछे गए थे, आपको बताएंगे। कहीं आपका दोस्तों तो नहीं है इसमें और उन्हें किस लिए फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रश्न आदि आसान होंगे, जो शिफ्ट में सबसे आसान प्रश्न आए होंगे, तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा बहुत ही कम मिलेगा। तो दोस्तों, कहीं आपका तो नहीं उसी शिफ्ट में था एग्ज़ाम, आप जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे करना चाहूँगा रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बराबर में एक बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगली बार से जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, वीडियो लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि यदि आपने को हम जो बताना चाहते हैं वो आपको समझ में आया नहीं है, इससे हमें पता चलता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे हम कि इस जीडी में जो सबसे आसान शिफ्ट थे वो कौन कौन से थे, तो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों बस आप ये देख लीजिए, आपको जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो एक बड़े ही सर्वे के मुताबिक दिया जा रहा है, बड़ा एनालिसिस करने के बाद आपको दिया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जो सबसे आसान शिफ्ट थे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यदि आपका उसमें आते हैं और आपके भी यदि क्वेश्चन इससे कम या ज़्यादा होते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी लोगों ने एसएससी जीडी का परीक्षा दी थी सबके पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन की, आपकी जो परीक्षा हुई थी, आपको पता है परीक्षाएं आपको कुल 54 शिफ्ट में कराई गई थी। कुल आपकी परीक्षाएं 54 शिफ्ट में कराई गई थी, जिसके बाद से आपको जिसमें से मैं बताऊंगा कि 10 सबसे आसान शिफ्ट कौन कौन थे, जिसके बाद आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कट ऑफ मेरिट की, अपने सिलेक्शन की, अपने प्रोसेस की, और आपके जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें कितने नंबर आपके बढ़ने वाले नहीं बढ़ने वाले सारा कुछ आप पता लगा पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं सबसे पहला शिफ्ट। सबसे पहले सब दोस्तों है आपका ये 13 फरवरी का, दोस्तों हाँ सबसे पहले आपका जो है वो 13 फरवरी 19 का है, जो कि आपकी दूसरी शिफ्ट थी जो बहुत ही आसान शिफ्ट थी, जिसमें लगभग मोस्टली जो स्टूडेंट थे वो 80 प्लस का स्कोर खड़ा कर रहे हैं। जो आपका 13 फरवरी 2019 का दूसरा बैच है, सेकेंड बैच जो कि परीक्षाएं हो गई थी उसमें, तो उसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मेरे से वाकिफ़ भी हूँ, मैं जिनसे वाकई मतलब पर्सनली भी जानता हूँ उनको, जो कि 80 प्लस हैं, 83, 82, 81, 85 ऐसे करके उनके नंबर्स हैं, जो कि 13 फरवरी को उनको सेकेंड पाली में एग्ज़ाम कराया गया था। ये दूसरे शिफ्ट की बात करते हैं जो सबसे आसान में आया था। तो अगला शिफ्ट आपका है 14 फरवरी का, दोस्तों हाँ आपका अगला फरवरी टेस्ट जो आपका सबसे आसान था परीक्षा थी वो 14 फरवरी की पहली शिफ्ट की थी। कौन सी थी दोस्तों? पहली शिफ्ट में जी, इसमें भी मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो 80 प्लस हैं, इसमें भी यदि आप 80 प्लस आ रहे हैं तो आपके ठीक हैं, और इसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट 80 प्लस ही किए हैं। यदि आपका भी एग्ज़ाम 14 फरवरी का था तो आप हमें कमेंट्स बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 14 फरवरी की पहली शिफ्ट में, ठीक है। आइए अगली बात करते हैं, आपका अगले इसी क्रम में है आपका जो तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे आपका 21 फरवरी का जो है वो भी आसान शिफ्ट में था, दो 10 नंबर में हमने आसान चुना हुआ है उसमें तीसरा का आपका तीसरा है 21 फरवरी का। जो दोस्तों आपके जो सब कुछ बताया जा रहा है ये कई कोचिंगों और कई संस्थाओं से मिलजुल करके एक आंकड़ा तैयार किया गया और बहुत सारे बच्चों से सर्वे किया गया, जिसके बाद आपको ये आंकड़ा दिया जा रहा है कि इस शिफ्ट में इतने बच्चों का इतना से प्लस हो रहा है, जिसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो आपकी परीक्षाएँ हुई थी ये बहुत ही आसान शिफ्ट थे, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट ने आपका 80 प्लस कर लिया है। तो दोस्तों आपका जो 21 फरवरी को भी एग्ज़ाम हुआ था पहली पाली में, दोस्तों इसका पहली पाली में था जो एग्ज़ाम बहुत ही आसान आया था, जिसमें मोस्टली बच्चे इसमें भी 80 प्लस कर ले रहे हैं। तो यदि आप भी अभी इसी शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए अगले बताते हैं, आगे आपका है इसी क्रम में आपका जो है 1 मार्च को आपका जो अगली शिफ्ट आसान थी वो 1 मार्च 2019 को जो आपकी दूसरी शिफ्ट थी, सॉरी पहली शिफ्ट थी, आपको 1 मार्च की जो आपको पहली शिफ्ट थी वो बहुत ही आसान थी, जिसमें भी बच्चे लगभग 75 प्लस कर पा रहे थे। 75 प्लस अधिकतर स्टूडेंट का इसमें 75 प्लस अपना सही आंसर दिए थे। दोस्तों आपका 1 मार्च 2019 को जो आपकी पहली शिफ्ट थी उसकी बात की जा रही है। आप अपना जो भी आपका रहेगा, यदि आप जिस भी शिफ्ट में आते हो इन 10 शिफ्ट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक फैलाइए। पूरे सभी जितने भी एसएससी जीडी के लोगों ने परीक्षाएँ दी थी सबके पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। आइए अगले शिफ्ट की बात करते हैं, अगला शिफ्ट है आपका जो 2 मार्च 2019 का, 2 मार्च 2019
19 में जो आपकी सेकेंड पाली थी, दूसरी पाली, उसका बहुत ही आसान शिफ्ट था और बहुत ही उसमें अधिक स्टूडेंट्स जो थे, बहुत ही मोस्ट छात्र थे जो कि 72 प्लस आपके सही कर रहे हैं। 72 प्लस मोस्टली जो इसमें बच्चे हैं दो मार्च के, तो उसमें जो दूसरी पारी थी वो बहुत ही आसान आया था जिसमें 72 प्लस मोस्टली स्टूडेंट कर पा रहे थे। आप भी कर ली हैं तो आपके सही हैं, और यदि इससे आप कम हैं तो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। आगे बात करते हैं तो आपका अगला जो है वह 3 मार्च 2019 की पहली शिफ्ट है। कौन सी है दोस्तों? 3 मार्च 19 की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, यानी कि पहली शिफ्ट में आपको परीक्षा दिए थे तो उस परीक्षा बहुत ही आसान आई थी जिसमें लगभग स्टूडेंट इसमें 70 प्लस हो रहे हैं। कितने दोस्तों? 70 प्लस। इसमें भी आप 70 प्लस कर रहे हैं तो आपके आंकड़े ठीक ठाक हैं, आपका सिलेक्शन होना ठीक है, आपका सिलेक्शन के अंतर्गत आप आते हैं और आप सेफ हैं। यदि आप इससे कम हैं तो भी कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट्स बताइएगा। आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट्स करते रहिएगा, और आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए अगले शिफ्ट की बात करते हैं, जो आपको 4 मार्च की दूसरी शिफ्ट थी वो बहुत ही आसान आई थी। अगली मार्च परीक्षा आपकी कब हुई थी? 4 मार्च की जो दूसरी शिफ्ट थी वो बहुत ही आसान थी। 4 मार्च जो 19 की थी वो दूसरी शिफ्ट बहुत ही आसान थी, जो दोस्तों आपकी मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें जो थे उसमें भी 70 प्लस स्कोर कर रहे थे। यदि आप भी आते हैं और आपके 70 प्लस हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स में से 70 प्लस कर ले रहे थे, तो आप भी यदि 70 प्लस किए हैं तो ठीक है। आइए अगले शिफ्ट की बात करते हैं जो बहुत ही आसान है, जो कि नंबर 8वें पे है। तो जो 5 मार्च को है, जो नंबर 8वें पे है, 8वां शिफ्ट है जो आसान है, 5 मार्च 2019 का, जो कि 5 मार्च 2019 की थी आपकी दूसरी शिफ्ट थी। दूसरी शिफ्ट में बहुत ही आसान पेपर बना था, क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए थे, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट 75 प्लस कर रहे थे और उनका स्कोर अच्छा था। जो भी 75 प्लस से स्कोर किए हैं उनका ठीक स्कोर है, क्योंकि हमने भी पर्सनली भी कुछ लड़कों से मिला है और उसके जो क्वेश्चन को देखे हैं जो कि आपके 75 प्लस बहुत ही आसानी से कर ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसमें हल कर पाएंगे। बहुत ही आसान शिफ्ट में भी पूछा गया था। आगे बात करते हैं 9वें नंबर पर, जो सबसे आसान शिफ्ट थी तो वो 9वें नंबर पर थी 6 मार्च 2019 की। दोस्तों कौन सी थी? 6 मार्च 2019 की जो 9वीं शिफ्ट थी वो बहुत ही आसान शिफ्ट थी। इसकी 6 मार्च की जो पहली शिफ्ट थी, कौन सी दोस्तों? पहली शिफ्ट जिसमें मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो आपके 80 प्लस कर रहे हैं। यदि आप भी 6 मार्च को एग्ज़ाम दिए हैं और आपके 80 प्लस स्कोर हैं तो आप सही हैं, आपने अच्छा स्कोर किया है। दोस्तों आप अपने नंबर्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपने एसएससी जीडी का पेपर दिया है तो आप इस नंबर जो भी आपके सही हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने आंसर की से मिलाया है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आइए अगली बात करते हैं, जो सबसे आखिरी होगा, जो सबसे आसान शिफ्ट 10वें में आपका 10वें नंबर पर जो सबसे आसान शिफ्ट थी और आपका जो परीक्षा की तारीख थी 7 मार्च को, जो आपका 10वां शिफ्ट है और बहुत ही आसान शिफ्ट आई थी 7 मार्च की पहली शिफ्ट थी। पहली शिफ्ट में आपका बहुत ही आसान परीक्षाएं प्रश्न पूछे गए थे जो कि 7 मार्च में थी, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट 75 प्लस कर पा रहे थे। बहुत सारे इसमें स्टूडेंट हमारे परिचित थे, 7 मार्च को उन्होंने एग्जाम दिया था पहली पाली में, जो कि 77, 75, 76, 78 ऐसे ही उनके सही हो रहे थे। दोस्तों आप भी अपने हमें नंबर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, और वीडियो को दोस्तों लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बराबर बेल आइकन आएगा उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगली बार इस पर ऐसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख पाएं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपके विचार से आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपने जो मिलाया है नहीं मिलाया है सब कुछ हमें बताइए। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, जो भी सवाल उठ रहे हैं, आप हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों कर लीजिए लाइक, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और बस वीडियो को देखते रहिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।